ये लोग क्या बोलेगा, ये सब लोग तो हिजड़ा हो गया है, सदन में बैठा रहता कुछ बोलता नहीं है। नीतीश बाबू के सामने बोलने का हैसियत है? माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है, माननीय नहीं कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब भाजपा नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजद द्वारा हंगामा तो लगातार किया ही जा रहा था, लेकिन अब भाजपा विधायकों ने खुलकर नीतीश कुमार के रवैये का विरोध किया है। भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा है कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं पीठ पीछे से कि नीतीश कुमार की हैसियत के आगे ये सारे विधायक हिजड़ा हो गए हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कुछ बोल सकें। दरअसल वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कह रहे थे कि बरसों से सड़क नहीं बन पाई, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो आवाज़ आती है कि ये लोग क्या करेंगे, ये सारे विधायक तो हिजड़ा हो गए हैं। सुनिए विनय बिहारी क्या कुछ कह रहे हैं। आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, लोग बोलता है आजकल गरीबों के घर पे जो विद्युतीय बिल है, बिल की इतनी बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ की एक सड़क है जो 11 साल से नहीं बन रही, जिस सड़क के लिए हम आंदोलन किए, और लोग जो हैं ये साफ साफ बोलते हैं कि हम लोग इतना बिल कहाँ से भरेंगे। हम लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ बिल भर दीजिए। यहाँ सीधा आदेश हुआ है कि जो बिल नहीं दे रहा है उसका लाइन काट दीजिए। जो भी इनके विद्युतीय विभाग के जो कर्मी हैं सीधा जाकर के लाइन काट रहे हैं। और जब हम लोग क्षेत्र में इसके बारे में बातचीत करते हैं तो पीछे से जनता बोलती है, अरे ये लोग क्या बोलेगा, ये सब लोग तो हिजड़ा हो गया है, सदन में बैठा रहता कुछ बोलता नहीं है। नीतीश बाबू के सामने बोलने का हैसियत है? यही तो बोलता है लोग। कल तो बोले आपके अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी बोले, नीतीश बाबू जो अपन जिन शब्दों का इस्तेमाल किए, नीतीश बाबू का जो तेवर था, नीतीश बाबू जो आंख दिखा दिखा कर, उंगली दिखा दिखा करके जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि इतने बड़े करियर को देखने वाले, राजनैतिक करियर को देखने वाले व्यक्ति की वो भाषा नहीं होनी चाहिए थी। और इस बात को भले स्वीकार करें न करें, लेकिन सारी दुनिया देख रही है, छोटी सी बात नहीं है। सदन के अंदर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जी, आपके भी लोग तो थे, आपके भी बीजेपी से लोग? नहीं नहीं, ठीक ठाक है, नहीं ठीक ठाक। हम अपने स्तर से बोले नहीं जी, बीजेपी से कई लोग थे, किन्हीं ने आवाज़ नहीं उठाया, इसको लेकर क्या कहें? बहुत गलत बोलना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी। इसलिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, सदन एक मंदिर है, और उस मंदिर में मुख्य जो व्यक्ति है वो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष को चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो, मतलब इस तरह के अपमानित लैंग्वेज में, अपमानित भाषा में इस तरह से अपना आचरण नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाना। चलिए,